उफो, आपको अब यहां आकर भी बस सोना ही है। बाहर सब कुछ कितना खूबसूरत लग रहा है, चलिए ना घूम कर आते हैं। सुगंधा थोड़ी देर सोने दो ना, अभी तो 8 ही बजे हैं, 10 बजे चलेंगे। ठीक है पक्का। ये है सुगंधा और कुणाल, जो इस खूबसूरत से हिल स्टेशन पर घूमने आए हैं। कुणाल की टूर जॉब है तो उसे घूमने फिरने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सुगंधा तो पहली बार घर से इतनी दूर आई थी तो उसका मन तो होटल के अंदर लग ही नहीं रहा था। अब क्या करूं, ये तो उठ ही नहीं रहे और मैं यहाँ बोर हो रही हूँ। चलो बाहर जाकर चाय ही पी लेती हूँ। सुनो, ये रूम सर्विस से भी कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? मैडम जी, वो सब तो 11 बजे तक आएंगे। वैसे आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताइए। नहीं बस खाली थी तो सोचा चाय ही पी लूं। आप 2 मिनट रुकिए मैडम जी, मैं बस अभी चाय बनाकर लाई। अरे वाह, चाय तो बहुत ही बढ़िया बनाई तुमने। नाम क्या है तुम्हारा? शुक्रिया मैडम जी, मेरा नाम राधा है। वैसे आप अगर बोर हो रही हैं तो कहीं घूम आइए ना, यहाँ तो बहुत सारी जगह है घूमने के लिए। हाँ घूमना तो है, लेकिन मेरे हस्बैंड अभी सो रहे हैं। मैडम जी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं बस यहाँ का सारा काम निपटा दूँ, फिर आप मेरे साथ चलना घूमने। क्या तुम्हारे साथ? लेकिन मेरे हस्बैंड? आप उनसे पूछ लीजिए, अगर वो हाँ कहें तो चलिए, वरना रहने दीजिए। ठीक है, मैं उनसे पूछ कर तुम्हें बताती हूँ। अब नहीं रुको, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, ऐसे अकेले किसी के साथ नहीं जाना। तो फिर जल्दी चलिए, राधा का काम बस होने ही वाला होगा। कुणाल और सुगंधा राधा के साथ घूमने निकल गए। राधा ने उन्हें कई जगह घुमाई, पूरा दिन कैसे निकल गया ये पता ही नहीं चला। अरे बस करो यार, मैं अब और नहीं चल सकता, अब मैं टैक्सी बुला रहा हूँ, वापस होटल चलते हैं। और राधा तुम्हें कहाँ छोड़ना है? कहीं नहीं साहब, यहाँ से मेरा घर थोड़ा ही दूर है, मैं चली जाऊंगी। नहीं राधा, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ेंगे, तुम चलो हमारे साथ। कुछ ही देर में टैक्सी आ गई और वो तीनों सबसे पहले राधा के घर की तरफ चल दिए। बस मैडम जी गाड़ी रुकवा दीजिए। अरे पर तुम्हारा घर कहाँ है? वो तो रहा, वो सामने। राधा ने जिस तरफ इशारा किया था वहाँ बस एक टूटा फूटा छप्पर था, जिसके नीचे एक बूढ़ी औरत टूटी खाट पर लेटी हुई थी। पास में एक मिट्टी का चूल्हा और कुछ पुराने बर्तन भी थे। तुम यहाँ रहती हो राधा? बस मैडम जी, जो है यही है। और ये अम्मा कौन है? ये मेरी दादी हैं, बस मेरे लिए ये हैं और इनके लिए मैं हूँ। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। राधा को वहीं छोड़कर कुणाल और सुगंधा वापस होटल तो आ गए, लेकिन सुगंधा के मन में अभी भी राधा का ही ख्याल घूम रहा था। राधा को देखकर एक बार भी नहीं लगा कि इतनी मुश्किलों में जी रही है, सच में कमाल की है वो। हाँ वो तो है, अब तुम ऐसा करो रोज उसके साथ कहीं घुमाया करो। वो क्या है कि ऑफिस का एक प्रोजेक्ट निकल आया यहाँ, तो मुझे थोड़ा टाइम वहाँ भी देना पड़ेगा। हम राधा को इसके बदले कुछ पैसे भी दे देंगे। ठीक है, इस बहाने उस बेचारी की कुछ मदद भी हो जाएगी। राधा को भी सुगंधा को घुमाने में कोई परेशानी नहीं थी और सुगंधा को भी राधा का साथ पसंद था। साथ ही राधा के पास एक और चीज थी जो सुगंधा को बहुत पसंद आ गई थी। राधा एक बात बताओ, तुमने अपना ये बैग कहाँ से खरीदा? इसका डिजाइन मुझे बहुत पसंद है, ऐसा ही एक मुझे भी दिलवा दो। अरे मैडम जी तो चलिए फिर, मैं आपको यहाँ के सबसे बढ़िया बाजार में लेकर चलती हूँ, वहाँ एक से बढ़कर एक लेडीज बैग मिलेंगे आपको। अच्छा अच्छी बात है, तो फिर चलो। राधा सुगंधा को बाजार लेकर गई जहाँ लेडीज बैग्स की कई सारी दुकानें थी। सुगंधा ने लगभग हर दुकान में जाकर बैग्स देखे, लेकिन कहीं से कुछ नहीं खरीदा। नहीं राधा, इनमें भी वो बात नहीं है, मुझे तो तुम्हारा ही बैग भाग गया है, तुम मुझे वहीं ले चलो ना जहाँ से तुमने इसे खरीदा था। मैडम जी वो मैंने इसे कहीं से खरीदा नहीं है, बल्कि इसे खुद ही बनाया है। क्या क्या बात कर रही हो राधा, क्या सच में ये बैग तुमने बनाया है? पर कैसे? मेरी माँ मुझे जन्म देते ही गुजर गई थी, उसे कभी देखा भी नहीं, लेकिन दादी ने मेरी माँ की एक चुन्नी दी थी मुझे, मैं उस चुन्नी को हमेशा अपने पास रखना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसका ये बैग बना लिया। पर तुमने इसकी सिलाई कैसे की? तुमने ये काम कहीं सीखा है क्या? अपनी दादी से सीखा है मैडम जी, कई साल पहले मेरे बाबा की इसी बाजार में एक लेडीज बैग की दुकान थी, मेरी दादी बैग सिला करती थी और मेरे बाबा उन्हें बेचा करते थे, लेकिन फिर एक दिन दुकान में आग लग गई और सब कुछ खत्म हो गया। मेरे बाबा नहीं रहे और दादी बिस्तर पर आ गई। वो तो अच्छा हुआ कि होटल वालों ने मुझे काम दे दिया, वरना पता नहीं क्या होता। अपनी आप बीती सुनाते हुए राधा की आंखें नम थी, लेकिन सुगंधा की आंखों में चमक थी। बस राधा अब उदास मत हो,
तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम में क्या हुनर है। मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारे इस बैग को कोई भी ग्राहक खुशी खुशी खरीदना चाहेगा। तुम ऐसा करो, ये होटल का काम छोड़ो और ऐसे ही अच्छे अच्छे लेडीज बैग बनाकर बेचो, फिर देखना सब कुछ कैसे बदलता है। मैडम जी, ये ख्याल तो ना जाने कब से है मेरे मन में, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। ये बैग तो इसलिए बन गया क्योंकि माँ की चुनरी थी मेरे पास, सिर्फ एक धागा और सुई ही खरीदनी पड़ी मुझे, लेकिन इससे आगे कुछ कर पाने की मेरी हैसियत नहीं है। होटल में काम करके भी सिर्फ दो वक्त का खाना ही बना पाती हूँ, इससे ज्यादा कुछ कर पाने की गुंजाइश ही नहीं है मैडम जी। सुगंधा ने उस वक्त तो राधा से कुछ नहीं कहा, लेकिन वो मन ही मन राधा की मदद करने की ठान चुकी थी। होटल लौटने के बाद सुगंधा ने कुणाल को सब कुछ बता दिया और फिर उम्मीद भरी नजरों से कुणाल की तरफ देखने लगी। देखो सुगंधा, तुम जो सोच रही हो वो गलत नहीं है, लेकिन फिर भी राधा से मिले हुए हमें अभी कुछ ही दिन हुए हैं, तो क्या हुआ? इतने कम वक्त में ही मैंने उसे बहुत अच्छे से जान लिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर उसे थोड़ी सी भी मदद मिल जाए तो वो बहुत कुछ कर सकती है। उसमें हुनर भी है और वो मेहनत करना भी जानती है। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ 5,000 ही दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं। कुणाल से पैसे लेकर सुगंधा ने वो पैसे राधा को नहीं दिए, क्योंकि वो जानती थी कि राधा को सिर्फ पैसे नहीं चाहिए थे। राधा, मुझे तुमसे कुछ बैग सिलवाने हैं, बिल्कुल तुम्हारे बैग जैसे। तो ऐसा करो, इसके लिए तुम्हें जो जो सामान चाहिए मेरे साथ चलकर खरीद लो। और हाँ, हमें अगले हफ्ते ही वापस जाना है, तो उससे पहले तक सिल लोगी ना? हाँ मैडम जी, बिल्कुल सिल दूंगी। आप बस अपनी पसंद के रंग का कपड़ा देख लीजिए चल के। बैग सिलने के लिए सामान खरीदते हुए राधा के चेहरे की चमक अलग ही थी, मानो वो हमेशा यही तो करना चाहती थी। दिन भर खूब सारी शॉपिंग के बाद सुगंधा ने राधा को उसके घर छोड़ा और फिर जाते हुए उसे कहा, राधा ये सारे बैग हाथ से सिलोगी तो बहुत वक्त लग जाएगा। ऐसा करो, ये पैसे रखो और कल ही जाकर अपने लिए एक सिलाई मशीन भी खरीद लेना। लेकिन मेम साहब, ये मैं इन पैसों को अपनी सिलाई के पैसे समझ कर रख लो, ठीक है? राधा अगले ही दिन अपने लिए एक सिलाई मशीन खरीद लाई और अब वो होटल के काम के साथ साथ पूरे मन से बैग सिलने का काम भी करने लगी। एक हफ्ता कैसे बीत गया पता ही नहीं चला और आखिरकार सुगंधा और कुणाल के वापस जाने का वक्त आ गया। मैडम जी, ये आपके सारे बैग, एक बार सबको अच्छे से देख लीजिए, अगर कुछ बदलना होगा तो मैं अभी घर ले जाकर कर दूंगी। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है राधा, तुम ये सारे बैग यहाँ रख दो। और सुनो, हम लोग शाम को 6 बजे यहाँ से निकलेंगे, मुझे बाय कहने तो आओगी ना? हाँ मैडम जी, बिल्कुल आऊंगी। देखते ही देखते शाम हो गई। कुणाल और सुगंधा जाने के लिए तैयार थे तभी राधा वहां हाफती हुई पहुंची। मैडम जी, माफ कर दीजिए, थोड़ी देर हो गई इसे बनाने में। ये लीजिए, इसे मेरी निशानी समझकर अपने पास रखना हमेशा। ये कहकर राधा ने एक लेडीज बैग सुगंधा की तरफ बढ़ा दिया। वो देखने में बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि राधा ने अपनी माँ की चुनरी से बनाया था। ये तो तुम्हारा है ना? नहीं मैडम जी, मेरा बैग तो ये रहा, मैंने इसे फिर से बनाया है आपके लिए। सब कुछ आसान था, बस बिल्कुल एक जैसा कपड़ा ढूंढने में थोड़ा वक्त लग गया। सुगंधा और कुणाल एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए और फिर सुगंधा ने अपने बैग से नोटों की एक मोटी सी गड्डी निकाली और उसे राधा की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये लो राधा, ये रख लो। मैडम जी, इतने सारे पैसे? नहीं नहीं, आप पहले ही मुझे सिलाई मशीन के लिए काफी पैसे दे चुकी हैं, अब मैं आपसे कुछ नहीं ले सकती। ये पैसे तुम्हें लेने ही होंगे राधा, क्योंकि ये तुम्हारी पहली कमाई है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं मैडम जी। तुम्हारे बनाए हुए सभी लेडीज बैग्स बिक चुके हैं, वो भी बहुत अच्छे दामों पर, और ये उसी के पैसे हैं। क्या? पर ऐसे कैसे? उन्हें तो आपने बनवाया था ना? हाँ, पर बेचने के लिए। मैंने एक ऑनलाइन सेलिंग ऐप में तुम्हारे बनाए गए बैग्स की फोटो अपलोड कर दी थी और जैसा कि मुझे उम्मीद थी, कुछ ही घंटों में तुम्हारे बनाए सारे के सारे बैग्स बिक गए। सबकी ऑनलाइन पेमेंट आ चुकी है, अब बस बैग्स की डिलीवरी करवानी है। राधा, शुरुआत हो चुकी है, बस अब तुम्हें मेहनत करते जाना है। इन पैसों से तुम सबसे पहले एक मोबाइल फोन खरीदना ताकि हम मिलकर इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। सुगंधा बोले जा रही थी और राधा एकदम सुन्न खड़ी थी। ये सब उसके लिए किसी सपने जैसा था जो सच हो रहा था। होश आते ही वो सुगंधा के पैरों में गिर गई और सुगंधा ने उसे उठाकर बड़े ही प्यार से अपने गले लगा लिया। इसके बाद सुगंधा कुणाल के साथ वहां से चली गई, लेकिन जाते हुए राधा को वो हौसला दे गई जिसके दम पर अब राधा अपने सारे सपने सच कर सकती थी।
नंदिनी रोजाना सुबह जल्दी उठ जाती, पूरे घर की झाड़ू लगाती, बर्तन झाड़ू पोछा करती। सुबह की चाय रोटी के बाद जो सबसे जरूरी काम था वो था जंगल से फूल चुनकर लाना और उन फूलों से माला बनाकर बेचना। दरअसल नंदिनी के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और बचपन से ही वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। उसके चाचा चाची दोनों कोई काम नहीं करते थे, बल्कि नंदिनी जिन फूलों की माला बनाकर बेचती उसी से ही घर चल रहा था। कितना समय लगा दिया तूने आने में, फूल तोड़ने गई थी या बगीचा बनाने? चाची, पास के जंगल में अब फूल खत्म होते जा रहे हैं, इसलिए तोड़कर लाने में समय लग जाता है। ममता, ये सब इसके बहाने हैं। दिन ब दिन काम चोर होती जा रही है ये नंदिनी। अब देख ले तुझे इससे कैसे काम निकलवाना है। मैं तब तक पुलकित को बाजार घुमा कर आता हूँ। चलो पुलकित बेटा चलो। बता कहाँ लगा दी इतनी देर, वरना झाड़ू से तुझे इतना पीटूंगी ना कि तुझे तेरी नानी याद आ जाएगी। चाची, मैं सच कह रही हूँ, पास के जंगल में बिल्कुल भी फूल नहीं है। चल मान लिया कि तू सच बोल रही है, तो एक काम कर, कल से तू पास के जंगल की जगह वो दूर नगर के पास जो एक जंगल है ना, वहाँ से फूल तोड़ कर लाया करेगी। चाची, वो जंगल तो बहुत भयानक है, मैं वहाँ कैसे जाऊंगी, और वो भी बिल्कुल अकेली, रास्ता भी बहुत खतरनाक है, मैंने सुना है वहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं। शादी लायक तेरी उम्र हो गई और तू बच्चों सी बातें कर रही है। इतना भी खतरनाक जंगल नहीं है जो तू इतना डर रही है। चुपचाप कल से फूल तोड़ने तू उसी जंगल में जाएगी। बेचारी नंदिनी चाची के कहने पर अब गांव से दूर बने प्रताप नगर के पास वाले जंगल में फूल तोड़ने जाने लगी। वो जंगल बहुत भयानक था। ये जंगल तो कांटों से भरा हुआ है, मैं क्या करूं? अगर फूल तोड़कर नहीं ले गई तो चाचा चाची बहुत गुस्सा होंगे, पर मुझे सचमुच बहुत डर लग रहा है, मैं फूल नहीं तोड़ पाऊंगी। नंदिनी भयानक जंगल देखकर डर जाती है, इसलिए वो बिना फूल लिए ही वापस आ जाती है। ये क्या, आज तू फूल लिए बिना ही वापस आ गई? मैंने तुझे कहा था ना कि तू दूर प्रताप नगर वाले जंगल में जाना, मुझे तो लगता है तू यहीं पास में होकर आ गई है। नहीं चाची, मैं गई थी प्रताप नगर वाले जंगल में, पर जंगल बहुत डरावना है, इसलिए मैं वापस आ गई। सच मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगी, मैं यहीं पास वाले जंगल से ही फूल तोड़ लाऊंगी, आप मेरा विश्वास करो। आज तेरी खैर नहीं, तुझे तो मैं मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए नहीं पाल रही, यहाँ रहना है तो काम करना होगा। ममता तुम चिंता मत करो, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मैंने इसकी शादी सुंदर सिंह से तय कर दी है, वो नंदिनी से शादी करने के बदले में हमें 50,000 रुपए देंगे। हाँ क्या, तुम सच कह रहे हो? अगर हम नंदिनी की शादी उस सुंदर सिंह से कर दे तो वो हमें 50,000 रुपए देंगे? चाचा, वो सुंदर सिंह तो एक नंबर का बदमाश है, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मैं भी देखती हूँ तू उस सुंदर सिंह से शादी करने से कैसे मना करती है। और सुन, कल फूल तोड़ने भी तुझे जाना होगा, वरना कल के कल ही तुझे उस सुंदर सिंह से ब्याह दूंगी। हाँ, नंदिनी फूट फूट कर रोने लगती है। बेचारी गरीब अनाथ लड़की अपने अत्याचारी चाची चाचा के साथ रहने को मजबूर थी, उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। अगले दिन नंदिनी हे भगवान मेरी मदद करो, मुझे इस जंगल में बहुत डर लग रहा है, मुझे हिम्मत दो। एक काम करती हूँ, जल्दी जल्दी जो भी फूल मिलते हैं उन्हें तोड़ लेती हूँ। हाँ, उस तरफ फूलों के बहुत सारे पेड़ हैं, वहाँ से तोड़ लेती हूँ। ये पेड़, इस पर बहुत सारे फूल हैं। रुको बहन रुको, ये फूल मत तोड़ो, मेरे ऊपर मेहरबानी करो, मैं और मेरे बच्चे इन फूलों का रस पीकर ही जिंदा हैं। हम इन फूलों के अलावा दूसरे फूलों का रस नहीं पी सकते। अगर तुमने इस पेड़ के फूल तोड़ लिए तो मैं और मेरा पूरा परिवार मर जाएंगे। अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत सारे फूल तोड़ कर ले जाने थे। ठीक है, मैं इस पेड़ के फूल नहीं तोड़ूंगी, तुम अपने परिवार के साथ यहाँ पर खुशी से रह सकती हो। धन्यवाद बेटी, पर तुम बहुत उदास दिखाई देती हो, मुझे अपनी दुविधा कहो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। नंदिनी ने रोते हुए अपनी सारी दुख भरी कहानी उस तितली को बताई। घबराओ नहीं नंदिनी, तुम बहुत दयालु हो, तुमने मेरी मदद की है, देखना अब तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। मैं तुम्हें ये जादुई फूल देती हूँ, इसे तुम अपने पास रखो, ये फूल तुम्हारी कही हर बात मानेगा। नंदिनी घर की ओर वापस आने लगती है, तभी रास्ते में प्रताप नगर के सिपाही मिलते हैं। सुनो सुनो, सभी ध्यान से सुनो, महाराज भान सिंह के पुत्र कुंवर वीर सिंह की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आया है। दूर दूर से वैद्य और हकीम भी बुलाए जा चुके हैं, पर कोई भी इलाज कुंवर वीर सिंह को ठीक नहीं कर पाया है। महाराज भान सिंह का आदेश है, जो कोई भी कुंवर वीर सिंह को ठीक करेगा उसे महाराज की ओर से मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। महाराज मान सिंह इस वक्त अपने पुत्र की तबीयत को लेकर बहुत चिंतित हैं।
सिपाही जी, क्या मैं महाराज से मिल सकती हूँ? उनके पुत्र को शायद मैं ठीक कर सकती हूँ। सिपाही नंदिनी को राजमहल में लेकर जाते हैं। महाराज, ये लड़की कहती है कि इसके पास कुंवर वीर सिंह की बीमारी का इलाज है। क्या अब तुम सच कह रही हो? तुम्हारे पास मेरे पुत्र की बीमारी का इलाज है? क्या तुम मेरे पुत्र को ठीक कर सकती हो? महाराज, मैं आपके पुत्र को देखना चाहती हूँ। मेरा पुत्र पिछले 5 वर्षों से सोया हुआ है। दुनिया में सारी औषधि जड़ी बूटियों का लेप लगाकर देख लिया, सब कुछ देख कर लिया, पर कोई औषधि काम नहीं आई। अगर तुम हमारे पुत्र को ठीक कर दो तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। महाराज, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं कुछ देर के लिए एकांत चाहती हूँ। हाँ हाँ पुत्री, हम कक्ष के बाहर चले जाते हैं, तुम इत्मीनान से हमारे पुत्र को देख सकती हो। महाराज, मानसिंह और सिपाही कक्ष से बाहर चले जाते हैं। नंदिनी तितली का दिया हुआ जादुई फूल अपने हाथ में लेती है। जादुई फूल, मेरी इच्छा है कि तुम्हारे स्पर्श से कुंवर वीर सिंह निद्रा से उठकर आंखें खोल लें। नंदिनी जैसे ही कुंवर वीर सिंह की आंखों पर जादुई फूल से स्पर्श करती है, कुंवर वीर सिंह अपनी आंखें खोल लेता है और उठकर बैठ जाता है। तुम कौन हो और मेरे कक्ष में क्या कर रही हो? पिताश्री महाराज, ये लड़की कौन है? हमारे पुत्र कुंवर वीर सिंह की आवाज। इसका मतलब पुत्र तुम ठीक हो गए? ये तो चमत्कार हो गया। बेटी, तुमने तो सचमुच कोई जादू ही कर दिया। मेरे पुत्र को कोई भी ठीक नहीं कर सका और तुमने कुछ ही पलों में मेरे पुत्र को ठीक कर दिया। पिताश्री महाराज, मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी गहरी निद्रा से जागा हूँ। महाराज भान सिंह कुंवर वीर सिंह को नंदिनी के बारे में बताते हैं। जब कुंवर वीर सिंह को नंदिनी के बारे में पता चलता है कि नंदिनी ने ही कुंवर वीर सिंह को ठीक किया है, तो कुंवर वीर सिंह के मन में नंदिनी के प्रति प्रेम आ जाता है। पिताश्री महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो मैं नंदिनी से विवाह करना चाहता हूँ। नंदिनी ने मेरे जीवन की रक्षा की है। तुम सही कह रहे हो पुत्र, मैं भी चाहता हूँ कि नंदिनी तुम्हारी जीवन संगिनी बने। नंदिनी, हमें अपने माता पिता के बारे में बताओ ताकि हम तुम्हारे और कुंवर वीर सिंह के विवाह की बात उनसे कर सकें। महाराज भान सिंह की बात सुनकर नंदिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने जीवन की कड़वी सच्चाई महाराज भान सिंह और कुंवर वीर सिंह को बताती है। महाराज भान सिंह नंदिनी के चाचा चाची को महल बुलवाते हैं। तुम दोनों को ये जानकर हैरानी होगी कि नंदिनी पर अब तुम दोनों अत्याचार नहीं कर सकते। नंदिनी हमारी पुत्र वधू बनने जा रही है। हम अपने पुत्र के साथ नंदिनी का विवाह संपन्न करेंगे और तुम दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। महाराज, ऐसा मत कीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। नंदिनी, तू ही महाराज को समझा, हम दोनों तो तेरे चाचा चाची है ना, हमें हमें माफ कर दे नंदिनी बिटिया, माफ कर दे। महाराज, मेरे चाचा चाची को छोड़ दीजिए, मुझे इनसे कोई बदला नहीं लेना। मुझे आपके रूप में पिता और वीर सिंह जी के रूप में पति मिल गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान ने सब कुछ दे दिया। नंदिनी के कहने पर महाराज भान सिंह उसके चाचा चाची को माफ कर देते हैं। नंदिनी की किस्मत बदल जाती है। कल तक नंदिनी एक गरीब फूल वाली थी, पर आज अपने अच्छे कर्मों के कारण वो एक राज घराने की बहू बन जाती। थैंक्स फॉर वॉचिंग।